नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लगातार पाला गिरने के कारण महेंद्रगढ़ जिले की मुख्य फसल सरसों तकरीबन खराब हो चुकी है, जिसके चलते लगातार अलग अलग जगह से किसान मुआवजे की मांग को लेकर सरकार को पत्र लिख रहे हैं। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिले के अनेकों गांव से किसान नारनौल लघु सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त की अनुपस्थिति में CTM को मुख्यमंत्री के नाम अपना मांग पत्र सौंपा। किसानों का कहना है कि किसान मुख्य रूप से इसी फसल पर निर्भर रहता है और सर्दी में अधिक पाला गिरने के कारण ये फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। उनकी मांग है कि सरकार गिरदावरी कराकर किसानों को उचित मुआवजा दे और गिरदावरी खेतों में जाकर की जाए, न कि बंद कमरों में लीपापोती की जाए, ताकि किसानों के नुकसान की उचित भरपाई हो सके। वहीं पूरे मामले में CTM मंगल सेन का कहना है कि किसानों ने उन्हें मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है, वो सरकार तक इसे पहुंचाने का काम करेंगे और जिस हिसाब से सरकार के आदेश होंगे आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर सरकार गिरदावरी के आदेश देती है तो संबंधित विभाग की ओर से उचित गिरदावरी करवाई जाएगी। किसानों ने कड़े शब्दों में कहा कि 5 दिन के अंदर सरकार उचित गिरदावरी करवाए, अन्यथा किसान एक सभा कर आगामी रणनीति बनाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने से कोई गुरेज नहीं करेंगे। ये तो समय ही तय कर पाएगा कि कब तक खराब फसल की गिरदावरी हो पाती है और किसानों को कितना मुआवजा मिलेगा। नारनौल से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। ऐसा है कि हमारे जिले में जो भी फसलों के नुकसान की बात हुई है उसके लिए हमने सरकार को जो मांग पत्र मिला था सरकार को भिजवा दिया गया है, क्योंकि प्रशासन लेवल से गिरदावरी का ऐसा कोई प्रबंध नहीं होता। सरकार को XCR ऑफिस से कृषि मंत्री की तरफ से सरकार डिसीजन करती है कि किस तरीके का नुकसान है और गिरदावरी करवाई जानी है या नहीं। अगर गिरदावरी के आदेश होते हैं तो हमारा जो राजस्व विभाग है उसका देखिए, किसानों की फसल 90% बर्बाद हो चुकी है, रवि की सरसों की फसल। किसानों की मांग ये है कि हमारी फसल की उचित गिरदावरी प्रशासन के लोग कमरों में बैठ के ना करें, ये खेतों में जाएं, वहां पर्टिकुलरली देखें, फिजिकली देखें कि कितना नुकसान हुआ है। किसानों की ये मांग है कि 90% फसल खराब हो चुकी है, जो हमारी सरसों की फसल है नकदी फसल कही जाती है। इससे हमारा सामाजिक जो तंत्र मंत्र जुड़ा हुआ है शादी ब्याह किसानों की बहुत अहम फसल है और ये 90% खराब हो चुकी है। तो हम सब किसानों की ये मांग है कि हमारी मांग पूरी करके गिरदावरी करवा के अधिकारियों से और हमें उचित मुआवजा दिया जाए। सब किसानों ने मिलकर ये मांग रखी है कि अगर 5 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सब समाज के किसान मिलकर बात करके और रोड जाम करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।